जो पिछला लेक्चर था उसमें हम हमारे पास आया था व्हाट इज लाइट, व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, देन आफ्टर दैट वी हैड सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइक इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, एंगल आई दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वी हैव all this stuff, and after in the last we have laws of reflection. So jo hamara aaj ka topic hai wo hai reflection from spherical mirrors. So let's start. So we have reflection of light part 2. We first one is spherical mirrors kya hote hain aur iski kya, it is of two types. So spherical mirrors are the mirrors which are spherical in shape, or you can say the mirrors which are obtained from the spherical shapes are called spherical mirrors. It is of two types. First one is concave mirror and the second one is convex mirror. So what is concave mirror and what is convex mirror? Let's see. So here it is clearly written. Concave mirror is a spherical mirror that has its reflecting surface curved inwards. मतलब जिसके अंदर रिफ्लेक्शन होगी वो होगी कि आपके अंदर से होती है, ठीक है, ऐसी वाली शेप के अंदर अगर कोई है मिरर तो उसको हम कहते हैं कनकेव मिरर. वन थिंग इज मोर कि आपने यू हैड सीन इन द लास्ट वन दैट वी हैड टेकन प्लेन मिरर और उसके जो बैक साइड में ऐसे सी लगी थी. व्हाट डज दिस सिंबल, इसका क्या मतलब होता है, इसके भी इधर ऐसे ही लगती हैं, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि 100% रिफ्लेक्शन हो इसकी वजह से हम वी विल टेक हेयर AgBr दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड लेयर लगती है, इसकी वजह से क्या होती है, देर इज नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. So only reflection of light occurs, so we will have a layer of silver bromide behind the mirror which is represented like this way. For example, we have this mirror and this represents the behind screen of the mirror. So iske piche aapke paas kya hoti hai, we have silver bromide layer which help in the 100% reflection. इसकी वजह से यहाँ पे इसका जो रंग होता है वो क्या होता है, पीछे से आइदर इट इज ब्लैक और इट हैज सम न्यू कलर और एल्स वी कैन यूज अ लेयर ऑफ AgBr. तो लेट्स सी नाउ व्हाट इज कन्वेक्स मिरर. व्हाट इज कन्वेक्स मिरर? सो अ मिरर, सो अ मिरर which has reflecting surface outwards, मतलब जिसके अंदर रिफ्लेक्शन हो क्या आउटवर्ड से हो, अंदर इसके लगी क्या है, इट हैज सिल्वर लेयर, इसका जो आउटवर्ड है इधर से क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, ऐसे टाइप के मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर. और इसके अलावा आप इसको किस वे से याद रख सकते हो, तो इसका एक सिंपल सा वे है, दैट इज इफ यू हैव योर हैंड, अगर आप अपना राइट हैंड आगे रखिए, राइट हैंड का जो अंदर वाला हिस्सा है इट इज योर कनकेव मिरर, एंड नाउ यू हैव योर लेफ्ट हैंड, उसका जो आउटवर्ड वाला है वो क्या है आपका, इट एक्ट लाइक अ कन्वेक्स मिरर. तो राइट हैंड सिंबॉलिक इज अ सिंबल ऑफ कनकेव मिरर यू कैन से, एंड द ब्लैक साइड ऑफ द लेफ्ट हैंड इज द सिंबल ऑफ द कन्वेक्स मिरर. सो before starting the reflection from spherical mirrors, let us know some important basic terms related to spherical mirrors. First one is center of curvature. First one is center of curvature. Second one is focus. Third one is principal axis. Fourth one is fall. Fifth one is focal length, and the last one is radius of curvature. All these basic terms are important as you have one mark question in your exam.
इसके बेस पे आपको एक नंबर का स्पेशली इन द पीएसईबी बोर्ड्स एंड इन द सीबीएसई के अंदर ये एक नंबर में आता होता है डिफाइन, तो ये इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी, फर्स्ट वन इज सी. सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट. मतलब अब आपको ये बात समझनी जरूरी है कि ये जो आपके स्फेरिकल मिरर्स हैं, आइदर इट इज कनकेव मिरर और आइदर इट इज कन्वेक्स मिरर, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्फीयर. ओके, इफ आई टॉक अबाउट कनकेव मिरर, मान लीजिए मैंने इतना सा हिस्सा इसमें से निकाल दिया. ओके, सो इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, इट विल बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच इट इज द पार्ट. तो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच इट इज द पार्ट. आइदर इट मे हियर इट मींस इट यहाँ पे है, इट रेफर्स टू द आइदर कनकेव मिरर और आइदर कन्वेक्स मिरर. सेम इज द केस विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज रिटन एज आर. आर क्या होता है, आर को हम स्मॉल आर से भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर से भी लिख सकते हैं. इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इसका जो रेडियस था उसी में से हमने उसको निकाला है, तो जितना रेडियस स्फीयर का था उतना ही उसमें से जो निकाला गया है उसका भी होगा. तो इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट. ओके, नेक्स्ट वन इज पी. पी बोले तो पोल. मान लो ये मेरा क्या था, इट इज अ कनकेव मिरर. अब इसका जो बीच का सेंटर होगा यहाँ वाला, मतलब जहां से हम क्या लेंगे इसकी रिफ्लेक्शन के लिए, इसका जो मानेंगे सेंटर मानेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर विच इज नोन एज पोल. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज प्रिंसिपल एक्सिस. व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, हियर इट इज रिटन सीपी सीपी. ये अभी हम आपके लिए आगे दिखाएंगे. यहाँ पे जैसे लिखा है एक्स वाई इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, तो अब होती क्या प्रिंसिपल एक्सिस, आप मैंने अभी तक बताया ये इसका सी होता है और सी से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, रेडियस होता है. पी क्या होता है, इसका अपना सेंटर होता है स्फीयर का. और नाउ प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल. मतलब द लाइन विच passes from C and P, it is called principal axis. For more clear reason, let's see the next slide. Here we have. अब देखो ये आपके पास क्या है, it is a concave mirror and here it is the convex mirror. Okay, now you can see it is a sphere और उसमें से हमने इतना सा हिस्सा निकाल दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, it is a convex mirror. पर अगर अंदर वाला हिस्सा लेते it will be a concave mirror. Now जो C sphere का center था वो इसी का क्या होगा, it is also the center of the mirror. Next one is PP is here means the center of the sphere. मतलब जो हमने छोटा सा हिस्सा लिया एक sphere का, that is we have taken either concave mirror or convex mirror, उसका जो बीच वाला हिस्सा होगा the center one, it is called the pole. Next is XY. Here I am repeating XY. यहाँ पे क्या XY is the straight line passing from P and C. So it is called principal axis. यहाँ तक ये अगर समझ में लग गई चीज तो बहुत ज्यादा important है, ये paper में एक number में हमेशा आती है. Next one is focus and focal length of spherical mirrors. Now, what is principal focus भी लिखा हो सकता है या सिंपल वर्ड फोकस भी लिखा आ सकता है, एक ही बात है. सो वट इज फोकस और यू कैन से प्रिंसिपल फोकस. सो आइदर फॉर कनकेव मिरर और आइदर फॉर कन्वेक्स मिरर यू जस्ट हैव टू रिमेंबर सिंगल लाइन डेफिनेशन. यू डोंट नीड टू रिमेंबर डिफरेंट डेफिनेशन फॉर कनकेव एंड convex mirror. You just have to remember simple line. It is a point on the principal axis where all the
incident ray parallel to principal axis made after reflection. In easy language, देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जो ये लिखा है इसको याद रख सकते हो, ओके, या आपके पास एक और है कि आप इसका एक सिंपल वन लाइन में इसका डेफिनेशन याद रख सकते हो प्रिंसिपल फोकस का. वो क्या है? इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन. ये देखो आपके सामने इसकी फिगर भी रख रखी है. इन द फर्स्ट फिगर वी हैव कॉनकेव मिरर, ओके, यहां से ये आपकी क्या प्रिंसिपल एक्सिस है और ये जो लाइंस आ रही हैं दीज ऑल लाइंस आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ पे हो क्या रही है, दे आर इंटरसेक्टिंग और यू कैन से दे आर मीटिंग. सो एट दिस वन इज नोन एज फोकस. So it is a point on the principal axis where all the incident rays parallel to principal axis meet after the reflection. This is the one line definition either for concave mirror or you it is also used for convex mirror. पर अब अगर मैं बात करूं कि इनमें difference क्या, अगर इनके ऊपर अलग अलग लिखना हो हमें तो बच्चों ये different है. डिफरेंस क्या होगा इसमें, देखो लाइंस क्या इकट्ठी हो रही हैं, इसमें लाइंस क्या हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं. ये देखो यहाँ पे लिखा वेयर ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज, मतलब इकट्ठा होना, सॉरी. एंड यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे वी विल यूज द वर्ड इसका ऑपोजिट दैट इज डाइवर्जेंस, मतलब वो अपने आप में होती क्या है. इट यहां से देखो लाइट रेज क्या होती है, इन अ कॉनकेव मिरर लाइट रेज ऑलवेज मीट, मतलब वो क्या करता है लाइट रेज को एक ही जगह पे इकट्ठा. एंड इफ वी टॉक अबाउट कन्वेक्स मिरर देन व्हाट इट डज, इट डज कि ये क्या करता है, लाइट को घेर देता है, ठीक है. सो जो कॉनकेव मिरर है इट इज यूज्ड फॉर अट्रैक्टिंग द लाइट, दैट इज कि लाइट रेज होकर इकट्ठी हो जाए. और जो आपका कन्वेक्स मिरर है इट इज यूज टू रिफ्लेक्ट द लाइट रेज, मतलब उसको क्या करता है, इट डाइवर्जेस द रेज. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज फोकल लेंथ. अब देखो प्रिंसिपल फोकस सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से, पेपर में आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस. नेक्स्ट वन इज फोकल लेंथ. सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड एफ. अब देखो फोकस को हम कैपिटल एफ से लिखते हैं. Here you can see focus को इसने capital F से लिखा है, इधर भी इसने इसको capital F से लिखा है. And what is focal length? Focal length is written by small f. Okay, focal length is written by small f. So what is this? It is the distance between the P and F. That is, it is the distance between principal focus and the pole. It is called focal length. Also, now you can see. I can show you again. ये मेरा C है, okay? ये मेरा क्या C है? ये मेरा F है. अब इस इतने से पार्ट को मैं क्या कहता हूँ? F कहता हूँ. That is focal length. और the distance between P and C is called capital R. That is radius. Okay? ये मेरा मान लीजिए P है. तो here ये हमेशा आपस में equal होते हैं. तो इससे क्या होगी? अगर ये F है तो इधर वाला भी F हो गया. तो R is equal to क्या होगा? F plus F, that is 2F. तो radius of curvature is 2 times the focal length of the any spherical mirror. So here you have the first relation that is, और इसके बेस पे numerical भी आ सकता है, that is R is equal to 2F. Radius is equal to 2 times the focal length of any mirror. These things are important, that's why I am explaining you in the detail. Okay students? बिकॉज इसके ऊपर आपको एक नंबर में भी आएगा और ये जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक आपको कोई और चीज में नहीं आ सकती. बिकॉज आफ्टर दैट वी हैव टू लर्न डिफरेंट सिचुएशंस इन विच इमेजेस आर फॉर्म्ड, ओके, फ्रॉम द कंकेव एज वेल एज कन्वेक्स मिरर. सो हियर वी हैव इफ सॉरी होल्ड अ सेकंड.
So let's start again. Rules for reflection of light through spherical mirrors. अब ऐसे कुछ rules हैं for the reflection you must have to remember. First one is, if in a concave mirror a ray of light parallel to principal axis. अगर incident ray parallel होती है principal axis के, then after reflection it will always pass from focus. First rule is, if a ray of incident light is parallel to principal axis, then it will passes from the focus of the mirror. And what is the second rule? It is the reverse of the first rule. That is, if a ray of light is passing from focus, then it will be, after reflection, it will be parallel to the principal axis. देखो, first rule था, अगर incident ray जो है, वो principal axis के क्या होती, it means parallel to principal axis, तो इसके focus में से क्या करेगी? Reflect होके निकलेगी. सेकेंड रूल उसका ऑपोजिट है. अगर वो फोकस में से इंसिडेंट हो रही है उसके ऊपर ऑन द मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इट्स वन इजी वन. नेक्स्ट इज, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू सी, सी बोले तो सेंटर ऑफ ऑफ कर्वेचर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक. मतलब देयर इज नो रिफ्लेक्शन इन द इंसिडेंट रे पाथ if it pass from the sea. Sea में से अगर कोई ray निकलेगी तो उसकी कोई भी reflection नहीं होगी, वो as it is अपने जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वो क्या हो जाएगी, reflect back हो जाएगी. And the last one you already known, angle is equal to angular, that is the law of reflection. So here we have the most important concept of today's video, that is formation of different type of images by concave and convex mirrors. Firstly, we will talk about concave mirrors. So firstly, देखो अब वो क्या सकता है, हम क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है उसको क्या कर सकते हैं, we can change the location of the object. Like in the first case, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है आपका at infinite. For example, sunlight. Because sun is at infinite distance. So ये देखो sun से ये ऐसी आ रही थी rays, ये यहाँ पे उसकी क्या होगी, reflection हो गई. Again एक ray और आई उसकी भी हुई क्या reflection. You must have to remember the angle of incidence must be equal to here angle of reflection. तो जब ये यहाँ पे होंगी क्या, when they meet, they will meet at the focus. Or you can say it will be at the focus because the light rays are coming from infinite. तो इसका एक और आंसर हो सकता है, आई एम गोइंग टू शो यू दैट इसकी एक और बन सकती है फिगर. एनसीडी में ऐसी भी हो सकती है आपके पास, ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक रे आई फोकस में से निकल गई, एक और रे आई, ये भी क्या निकल गई फोकस में से. एरोज आर इंपॉर्टेंट हियर, एरोज रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ द रेस. तो यहाँ पे मीट करिए तो इट इज अ फोकस बिकॉज हियर प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट विल पास फ्रॉम द फोकस. सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म. तो यहाँ पे देखो इमेज अपने आप आई है तो इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. एंड नाउ वन इम्पोर्टेंट थिंग, जहां पे वर्ड रियल होगा उसके साथ इन्वर्टेड हमेशा रहेगा, और जहां पे वर्ड वर्चुअल होगा उसके साथ हमेशा क्या बनेगा, इरेक्ट. दैट विल बी द, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, इन द इमेज फॉर्म फ्रॉम द प्लेन मिरर, उसके अंदर ऐसा ही था कि आपके पास जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो वी एंड ई, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, विल ऑलवेज केम टूगेदर. Likewise, real और inverted measure क्या आएंगे, इकट्ठे आएंगे. Next one, you can see here, यहाँ पे जो object है वो इतना था, यहाँ पे object इतना बड़ा हो गया, इधर वाला image ऐसी भी इतनी सी. So you can see here, image will be highly diminished, मतलब छोटी हो गई. Or you can see it will be a point size, मतलब सिंपल सी बात है, अगर इतना हायर ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनाइट तो इट मस्ट बी हायर. तो ये बहुत हायर था लेकिन जो इमेज बनी वो
फोकस्ड वो क्या बनी, बहुत ज्यादा छोटी बनी, सो इट इज हाईली डिमिनिश्ड और यू कैन सी इट विल बी अ पॉइंट साइज। और अब आपको एक चीज और लिखनी होती है, दैट इज लोकेशन ऑफ द इमेज, सो इट विल बी एट द फोकस। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू राइट द type of image form, that is it is real in what it virtual reject. Second one, the size of the image, highly diminished or magnified, which means increase in size. Or last one, aapko us image ki location bhi likhni hai where the image is formed. So let's see the second one, when the object is beyond C. Dekho hum object ko aage leke aayenge, pehle wo infinite tha, ab humne C se kya rakha, thoda sa piche rakha C se. जब हम सी से पीछे रख रहे हैं तो यू कैन सी एडी हियर इज एन इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट हो रही है एंड इट इज बिकॉज इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस फ्रॉम द फोकस, तो ये यारा फोकस था आपका, ठीक है, ये इधर से निकल गई। और अगर इसी में से एक रे और निकाले फ्रॉम द सी, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अगेन गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इन टू द सी, तो जहां पे दो रेज मिलेंगी तो इट विल फॉर्म अ इमेज। अब देखो इसका हेड ऊपर था, इसका हेड कहाँ पे, नीचे है, अगेन इट इज इनवर्टेड एंड आल्सो इट इज फॉर्मड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रेज एक्चुअली, देन इट इज अ रियल इमेज, सो इट वुड बी रियल इनवर्टेड। नाउ यू हैव टू फाइंड आइदर इट इज मैग्निफाइड और इट इज डिमिनिश्ड, मतलब इसका या तो साइज इंक्रीज होगा या फिर करेगा डिक्रीज। नाउ यू कैन सी हियर ऑब्जेक्ट का क्या है, साइज इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज था, लेकिन इमेज का साइज क्या है, एज कम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट क्या है, छोटा है, इट विल बी डिमिनिश्ड। एंड द लास्ट वन यू हैव टू राइट द लोकेशन ऑफ द इमेज, सो इट इज बिटवीन एफ एंड सी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एट सी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखें तो देखो एडी से अगेन निकलेगी रे, तो वो एफ में से पास आउट हो जाएगी, देन बिकॉज एडी इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, नाउ वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू पास द रे फ्रॉम सी। अब देखो ऑब्जेक्ट ही सी के ऊपर लगा है तो सी में से तो वो नहीं निकलेगा, इट विल बी पास फ्रॉम फोकस, वी हैव नो अदर ऑप्शन, फोकस में से निकलेगी तो वो रे क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वन, कि ऑब्जेक्ट भी सी पे रखा, इमेज भी आ गई आपकी सी के ऊपर आ गई। नाउ वन थिंग इज मोर इंटरेस्टिंग, अब एक बात तो यहाँ पे है कि अपने भी इमेज आई इज रियल एंड इनवर्टेड एट सी आई है, और इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज ए बी इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, दैट इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन, कि अगर वो एग्जाम में पूछे वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन अ कनकेव मिरर सच दैट द हाइट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, सो आंसर विल बी ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। Let's see next one. Now one thing you are, I think you are having that कि जो हमारा पहले जब infinite पे था तो at f बनी और वो क्या थी, highly diminished, फिर जब हमने c के पीछे रखी तो वो क्या बनी, between f and c, वो भी आपकी आई क्या थी, that is also diminished, and now if it is placed at c तो यहाँ पे image भी कितनी है, उतनी ही आ रही है, so मतलब जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी इमेज क्या आएगी, छोटी आएगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आते रहेंगे तो इमेज का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। इसी वजह से आप जो माइक्रोस्कोप है उसको उसका क्या एडजस्ट करते हैं, यू विल एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, बिकॉज वो उसकी जो ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट फोकस, इट विल गिव अ हायर इमेज। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन, दैट इज बिटवीन एफ एंड सी। अगर आप ऑब्जेक्ट एफ एंड सी के बीच में रखते हैं, एयर ए बी इज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था, इसको ए बी ऑब्जेक्ट है, इसको अपने एफ और सी के बीच में रखा, फर्स्ट वन इज एडी अगेन पासिंग फ्रॉम द एफ बिकॉज एडी इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ वी हैव टू ऑप्शन, आइदर वी विल पास फ्रॉम एफ और ये ऐसे आ जाए, या आपके पास एक और ऑप्शन है कि उसको ये इसी में से निकले और इसी में से आगे उसकी क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए फ्रॉम सी। तो चाहे आप सी में से निकाल लो चाहे आप एफ में से निकाल लो, आपकी इमेज आएगी कहां पे, यहां पे इंटरसेक्शन इस यहां पे ही होगी, इट इज अगेन रियल एंड इनवर्टेड इमेज,
तो यहाँ पे इमेज जो आई अब क्या है, आगे से इंक्रीज हुई तो इट विल बी मैग्नीफाइड, मतलब इंक्रीज इन साइज. एंड द लास्ट वन इज लोकेशन ऑफ इमेज दैट इज बियॉन्ड सी. तो देखो एक चीज और इंटरेस्टिंग है, जैसे सी के आगे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आगे आ रहा है, इमेज क्या आ रही है, पीछे पीछे आ रही है. अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे था तो इमेज की बिटवीन एफ एंड सी. अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है तो जो इमेज है वो है बियॉन्ड सी, सी के पीछे उल्टा. ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर. फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव. तो हम तो वी हैव नेक्स्ट वन की ऑब्जेक्ट अगर एफ पे रखे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस द इमेज वुड बी एट इनफिनाइट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनाइट इमेज इज एट फोकस. तो इस आपस में क्या है, दीज ऑल आर रिवर्सिबल विद ईच अदर. तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज आएगी यहाँ पे इनफिनाइट पे आ जाएगी. तो इट इज ऑल्सो अगेन रियल इन्वर्टेड एंड एट इनफिनाइट एंड हाईली मैग्नीफाइड. तो जो माइक्रोस्कोप है उसमें इसका होता है यूज कि ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं फोकस पे, इसीलिए हम उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करते रहते हैं माइक्रोस्कोप की. नेक्स्ट वन इज बिटवीन एफ एंड पी. अगर आप ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी रखते हो तो इमेज आपके क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. देखो जब यहाँ पे आपने रखा तो अब देखो आगे क्या होता है, आप इसमें से निकाल के फोकस में से निकाल देते तो एक लाइन तो ऐसे रहेगी. सेकेंड ऑप्शन क्या है कि आप इधर से निकाल के इसको ऐसे हो जाएगी, या आप उसको सी में से क्या करते हो पास आउट. बट यू कैन सी हियर ये लाइन इस ओर आ रही है और इधर वाली इस ओर आ रही है, मतलब इनकी इंटरसेक्शन होगी नहीं. तो दिस जब तक रेज इंटरसेक्ट नहीं होगी तब तक क्या होगी, इमेज इज नॉट फॉर्म. सो इसके लिए हम हमें यहाँ पे इसकी इमेज तो लेकिन आएगी आएगी कोई ना कोई, तो वो हमें ऑब्जर्व्ड इमेज होती है. तो टू शो वी विल टेक दिस रेज टू विद डॉटेड लाइंस टू द बियॉन्ड द मिरर. तो यहाँ पे अब इमेज आ गई. देखो ऑब्जेक्ट का साइज छोटा, इमेज का साइज बड़ा, तो इट विल बी मैग्नीफाइड. अब ये इमेज अपने आप नहीं आई, तो इट इज अ वर्चुअल इरेक्ट. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट. इन अ कॉनकेव मिरर, इन अ कॉनकेव मिरर यू हैव वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पी एंड एफ. जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखोगे तो यू हैव द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो ये इकलौता ऐसा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. वो इसीलिए न्यूमेरिकल्स आते हैं बिकॉज इट इज द ओनली वन वेयर इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर. बाकी जितने भी थे, अगर फोकस पे रखो, सी पे रखो, बिटवीन एफ एंड सी रखो या इनफिनिट पे रखो, तब हमेशा जो इमेज बनती है इट वुड बी रियल एंड इन्वर्टेड. सो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बिटवीन एफ एंड पी रखते हैं तो इसके अंदर वर्चुअल इरेक्ट बनता है, अदरवाइज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है. तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट, वेयर व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इमेज. तो इमेज हियर इज फाउंड बिहाइंड द मिरर और यू कैन से बियॉन्ड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे बनती है, मतलब हमें ऑब्जर्व होती है, एक्चुअली में वो एग्जिस्ट नहीं होती है. ठीक है, तो ये आपका चीज इम्पोर्टेंट थी फॉर द एग्जाम कि आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आने हैं, इसलिए ये चीजें इम्पोर्टेंट थी. लेट्स सी, दिस इज द होल वन कि आपको ये याद रखना है. देखो जो चीज मैंने अभी आपको बताई, अगर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पे था इमेज फोकस पे थी, अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट फोकस इमेज इनफिनाइट. ओके, ये क्या थी हाईली डिमिनिश, ये क्या होगी हाईली एनलार्ज और यू कैन से मैग्नीफाइड. नेक्स्ट वन इज बियॉन्ड सी रखा तो बिटवीन एफ एंड सी. अब बिटवीन एफ एंड सी रखा ऑब्जेक्ट तो इमेज बियॉन्ड सी ऑपोजिट है, इट इज डिमिनिश्ड, इट इज मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड. अगर सी पे रखते हो तो इमेज भी क्या बनेगी, इक्वल एट सी. लास्ट वन अब एक बच गया, बिटवीन पी एंड एफ अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर एनलार्ज्ड और क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट. देखो सिर्फ इसके अंदर क्या होती है, वर्चुअल इरेक्ट एंड ऑल द अदर्स हैव रियल इनवर्टेड. तो यू कैन से ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके पास यहाँ पे क्या होता है, जो कंकेव मिरर के अंदर सिर्फ बिटवीन पी एंड एफ अगर रख दे तो इमेज क्या बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है. दिस वन इज द इंपॉर्टेंट वन. ओके, सो नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कंकेव मिरर. व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ कंकेव मिरर. तो देखो कंकेव मिरर का मेन यूज होता है कि आपके पास क्या हो,
रेस आपकी इकट्ठी हो जाए, ठीक है, रेस आपकी क्या हो, इकट्ठी हो. सो इट इज यूज इन द शेविंग मिरर बिकॉज, या आप ये भी सोच सकते हो कि इसका यूज इसलिए है कनकेव मिरर का, जहां पे इमेज को आपको एनलार्ज रखना है, मतलब यू हैव टू सी द ऑब्जेक्ट एनलार्ज, तो इसके लिए इसका क्या होता है, यूज होता है. तो फर्स्ट थिंग इज इट इज यूज इन शेविंग मिरर बिकॉज फॉर शेविंग जो आप क्या करते हो, आपको अपनी स्किन क्या दिखनी चाहिए, एनलार्ज दिखनी चाहिए, ताकि आप इजिली क्या कर सको, शेव. सेकेंड वन इट यूज इट इज यूज इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स. अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर हेडलाइट्स में तो लाइट हमें ऐसे ऑब्जर्व होती है जैसे वो क्या हो रही हो, इट बिकम डाइवर्जिंग, मतलब लाइट आपको ऐसा लगता है कि वो क्या हो रही है, इट इज आप हिंदी में उसको क्या कहते हो कि बिखरना, लाइट क्या करती है, बिखरती है. लेकिन स्टूडेंट्स लाइट इकट्ठी होती है, क्यों, अगर लाइट बिखरेगी तो हमें आगे कोई भी चीज ऑब्जर्व ही नहीं होगी, इसलिए जो हेडलाइट्स है उसमें लाइट क्या इकट्ठी होती है. वी हैव टू हेडलाइट्स इन द हैवी व्हीकल्स, तो वो क्या करती है, दो आपकी इकट्ठी होती है लेकिन उसकी जो रेंज है वो हायर होती है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से हियर, ये देखो हेडलाइट्स थी आपके पास दो, अब ये क्या करती है एक्चुअली में, इतना आपको अब ऐसा लगता होगा कि सर अगर ये लाइट रेस को इकट्ठा लेके आती है तो छह तो भी इतना ही हमें विजिबल होगा, बट इट हैज अ वाइड रेंज. ओके, ऐसी इसकी क्या होती है, रेंज होती है. ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन व्हीकल हेडलाइट्स व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज. सो वी आर यूजिंग कनकेव मिरर बिकॉज हमें ऑब्जेक्ट को अच्छे से देखना है. वी हैव टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट एंड लार्ज इमेज. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इट इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट. जितने भी आईज ईयर वगैरह जो भी आपके डॉक्टर्स होते हैं, दे ऑल यूज दीज मिरर्स. क्यों, दे यूज कनकेव मिरर टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ अवर इंटरनल ऑर्गन्स. लास्ट वन इज इन सोलर फर्नेसेस टू कंसंट्रेट हीट. जो आपका सोलर कुकर होता है उसके ऊपर का जो लगा होता है मिरर, इट इज कनकेव मिरर. क्यों, बिकॉज इट कन्वर्जेस द लाइट, मतलब ये लाइट रेस को इकट्ठा रखता है, तो जितनी भी सनलाइट आएगी वो अगर एक ही जगह पे इकट्ठी होगी तो क्या होगा, देयर विल बी हाई टेम्परेचर, तो वहां पे कुकिंग करना आसान हो जाएगा. इसलिए इसका यूज किसमें करते हैं, इन द सोलर फर्नेसेस. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, उसके अंदर आपके पास आएगा नेक्स्ट, जब आपके पास आ रहा है कन्वेक्स के बारे में, इमेज फॉर्म फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर. नाउ एक सेकेंड प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल. सो अब आपके पास आ रहा है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर. तो इसके अंदर जैसा कि मैंने आगे भी आपको बता रखा है कि इमेज क्या होती है, यहाँ पे लाइट रेस क्या आएगी, इट विल गेट स्कैटर्ड, और यू कैन से यहाँ पे क्या करती है, लाइट रेस बिखरती है. तो ये मान लो एक आ रही है लाइट रेस, तो देयर वी हैव ओनली टू वन. फर्स्ट वन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनाइट, सेकंड वन इज बिटवीन इनफिनाइट टू पी, मतलब चाहे आप सी पे रखो चाहे आप एफ पे रखो. नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज, जब हम पिछले जो आई थी आपके पास वीडियो या जो पिछला भी हुआ कंसेप्ट दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, उसके अंदर जो एफ और सी होता था वो हमारा लेफ्ट साइड पे होता था. क्यों होता था, बिकॉज उसके अंदर ऐसे आके रेज इधर मिलती थी, इसलिए वहां पे फोकस कहां पे होता था, लेफ्ट साइड में था. लेकिन इसके अंदर जो इमेज मिलती है वो मिलती है ऑन द राइट साइड, दैट्स व्हाई इट हैज फोकस एंड सेंटर ऑन द राइट साइड. ओके, I again repeat here, there are two different words. Virtual means image नकली बनती है, मतलब अपने आप वो obtain नहीं होती हमको. Erect means image is सीधी बनेगी. Inverted means image बनेगी उल्टा, opposite, मतलब head ऊपर है तो head उसका observe होगा नीचे की ओर. और अब उसके बाद में important concept आते हैं, what the word
diminished means, इसका मतलब होता है छोटा, okay? And what is word enlarge or you can say magnified means enlarge, मतलब increase होना, okay? जो word है diminish उसका मतलब है object का क्या होना, decrease होना, the size of object decreases उसका मतलब ये है. और अगर वहां पे वर्ड आता है मैग्निफाइड और एनलार्ज उसका मतलब है साइज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. ओके, तो इसके अंदर हमेशा इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर, एट फोकस या बिटवीन पी एंड एफ. अब अगर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पे होता है तो आपको पता है इमेज बनती फोकस पे, अदरवाइज इसके अंदर हमेशा इमेज बनेगी बिटवीन पी एंड एफ एंड इट विल ऑलवेज बी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड दिस इज द शेप ऑफ दिस और यू कैन से इमेज फॉर्मेशन फॉर द कन्वेक्स मिरर. ये एग्जाम में इतनी नहीं आती, आप एग्जाम में आता होता है कन के मिरर के बारे में. नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर्स. नाउ वी हैव डिफरेंट यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर्स, मतलब जहां पे आपको लार्ज व्यू की जरूरत है. देखो जो आपका कन के मिरर था उसका यूज करते हैं कि अगर आपको इमेज को क्या करना है लार्ज, या आपको क्या करना है किसी एक जगह पे इमेज को इकट्ठा, रेस को आपको इकट्ठा करना है, उधर यूज होता है. अब इसका ऑपोजिट क्या है आपका, यू हैव यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, मतलब जहां पे या तो आपको लाइट रेस को क्या करना है इधर उधर, या फिर आपको छोटे से हिस्से में सारे जो इमेज है वो क्या देखना है व्यू, इसीलिए इसका यूज करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर. पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, व्हाई कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज द रियर व्यू मिरर. तो इसका एक छोटी सी लाइन में आंसर है, दैट मींस इट विल गिव अ वाइडर व्यू ऑफ फील्ड बिहाइंड द व्हीकल, बिकॉज इन कन्वेक्स मिरर इमेज फॉर्म इज ऑलवेज डिमिनिश्ड, इसलिए हमें ये काफी सारा पीछे का जो व्यू है हमें वो मिल जाता है. इसलिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन हियर. सेकंड, इट इज यूज्ड एज अ डिवाइस टू चेक हेफ्ट इन द शॉप, मतलब ये दुकानों में लगा होता है ताकि सारी दुकान का जो आपका व्यू है वो उसके अंदर मिल जाए, और अगर कोई हरकत हो रही है आपके शॉप में, कोई कोई आदमी या कोई औरत आपका सामान वगैरह उठा रही है तो वो आपको उसमें ऑब्जर्व हो जाए. So you can also say it can be worked as a CCTV cameras. मतलब उसके अंदर वो अपने आप होता है, इसमें आपको उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, you have to maintain your eyes. Okay. So these are the two basic uses of convex mirror and the most important is why or which type of mirror is used in the vehicles as a rear view mirror. ये exam के लिए बहुत important है, एक number के लिए बहुत ज़्यादा important है ये question. नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू कार्टिजन साइन कन्वेंशन. तो ये टॉपिक हम अगली जो आपकी वीडियोस में लेंगे, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल वन. तो इससे एक टॉपिक ये है आपका, नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर फॉर्मूला, नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन एंड आफ्टर दैट वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूमेरिकल. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग लाइव विद अस. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं, स्कूलमेट्स हैं, उनको ये वीडियो का लिंक शेयर करना मत भूलना. और ये वीडियो अगर आपने दोबारा भी अगर वॉच करनी हो तो ये आपको वीडियो अभी मेरे YouTube चैनल साइंस गुरु पे ऑन द YouTube मिल जाएगी, अपलोड हो जाएगी. तो आप वहां पे भी जाके इसको दोबारा से फॉर रिवीजन एक बार और आप वॉच कर सकते हैं. तो प्लीज डू मैक्सिमम शेयर, सब्सक्रिप्शन एंड लाइक द वीडियो एंड And every day I have the video for you on this chapter. So at 6 p.m. every day you agar aapko online aana hai to aap, you are very welcome, because our all the lectures will be free of cost. I am taking no fee for the online lectures. So it is very good for the Fazilka students. And also agar aapko ye video achhi lage to I'll again request you to please share it. Thank you so much and being live with us in the next video. Thank you.